सुबह के नाश्ते में ऐसे मज़ेदार और क्रंची क्रंची पराठे अगर मिल जाएं तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैंने बनाए हैं मूली के पत्तों के पराठे, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पहले ऐसे मूली के पत्तों को बारीक बारीक आप काट लीजिए और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक आप मिक्स करके इसे अच्छी तरह मसलते हुए मिक्स कीजिए, ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। देखिए कैसे पानी निकलने लगा है। हरी मिर्च और अदरक को भी चॉप कर लीजिए अच्छी तरह से। अब इन पत्तों को निचोड़कर आप एक साइड पर रख लीजिए। अब हम आटा लेंगे और इसमें धीरे धीरे एक एक करके सारी सामग्री मिलाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सब सामग्री एक साथ मिक्स कर लेंगे ऐसे ही, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें इसमें और कितना पानी मिलाना है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करके हम इसका एक अच्छा खासा आटा गूंद लेंगे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अब इसके हम छोटी छोटी लोई बनाकर इन्हें बेल लेंगे। पराठे तलने के लिए मैं रिफाइंड तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही बाकी के पराठे भी आप तल लीजिए। इसे चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा साइड में अचार हो तो इसका स्वाद डबल हो जाता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। ये बनाने में इजी और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मूली के पत्तों के पराठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।